हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपसे एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे हम, जिसे आप 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में से 80 प्लस यानी 100 में से 100 भी आसानी से ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके पक्का आएंगे एग्जामिनेशन में, और क्या करें कि जो ड्राइंग शीट है आपको इफेक्टिव लिखे, कैसे आप सफाई से काम करें इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम जो है वो यहाँ पर पेपर का पैटर्न यहाँ पर देखते हैं। जो पेपर का पैटर्न है वो आपका 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स में से आपका जो है पासिंग मार्क्स जो है वो 33 हैं। कितने मार्क्स हैं? 33 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए 100 नंबर में से, इस तरीके से। तो यह हो गया आपका पैटर्न। पैटर्न में मैं आपको बता दूं, आपके पास 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। देखिए 7 में से 5 out of 7 यानी 5 करने होंगे आपको 7 क्वेश्चंस में से। तो एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ये आपका पैटर्न हो गया ईडी में। फिर आप देखिए, हम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 20 मार्क्स में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं इम्पॉर्टेंट, वो तो आज मैं आपको बताऊंगा ही, परंतु यदि आप इसकी सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर हमने जो है ईडी के फिल इन द ब्लैंक्स, यदि इस आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ लिया तो इन फिल इन द ब्लैंक्स से बाहर आपके पास कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। ये मैं आपको एज अ श्योर गारंटी देता हूँ, इससे बाहर आपका नहीं आएगा फिलअप। तो वो आप देख सकते हैं, इस वीडियो में भी आपको कुछ फिलअप बताऊँगा, और यदि आप उस वीडियो को भी सभी फिलअप देखें तो आपको 100% जो है मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें आपकी लाइंस और लेटर राइटिंग है। तो आपकी जो लाइंस हैं वो इस तरीके से कंटिन्यूस लाइन आप इस प्रकार बनाएंगे, थिक लाइन है आपकी उसको आप थिक लाइन से बनाएंगे, फ्री हैंड लाइन है, जिगजैग लाइन है, सेंटर लाइन बनाने के लिए आती है, देखिए मेनली सेंटर लाइन आपकी बनाने के लिए आती है, कटिंग प्लेन लाइन आपकी बनाने के लिए आती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके दो दो मार्क्स में सभी जो है लाइंस बनाने के लिए आ सकती हैं। देखिए ये आप कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर देखिए, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर राइटिंग, इसमें आपको देखिए वर्टिकल में लेटर लिखने होंगे, आपको हाइट दी होगी, जैसे ये मानिए या आपने हाइट ले ली कुछ, आपको इस हाइट के अंदर कुछ लिखना है। जैसे इसके अंदर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैकेनिकल, एम ई इस प्रकार सी एच, काफ़ी सफाई से आप काम करेंगे। देखिए विदाउट, यदि आपकी क्लीन लाइनेस नहीं है तो आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। इस प्रकार आप इस प्रकार दिखाएंगे, ये 12 मैंने यहाँ पे हाइट ली है। आपको पता है एरो आप कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आप क्लियर इस प्रकार से एरो यहाँ पर शो करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसे, इस तरीके से आप शो करेंगे। तो लेटर राइटिंग भी आपकी 100% 10 मार्क्स में आएगी, इसकी भी आप प्रैक्टिस करें, यह आपका आएगा। इसका मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स बताता हूँ, यदि आपकी इंक्लाइंड लेटर है, तो जो इंक्लाइंड लेटर है वो 75 डिग्री पर लिखे जाते हैं। कितने? 75 डिग्री, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज लिख दिया, 75 डिग्री पर लिखे जाते हैं। ये मेनली फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से आप आ सकते हो। और मेनली आपके टाइटल ब्लॉक की साइज़ 185 x 65 mm, आपके जो A2 शीट है, A4 शीट है, उनकी यदि आप साइज़ पता कर लें, या आप जो वीडियो मैंने आपको कहा है वो वीडियो आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाली, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए फिर है यहाँ पर आपके डायमेंशनिंग चैप्टर आ गया। डायमेंशनिंग चैप्टर में आपसे दो सिस्टम पूछते हैं, अलाइंड और, यहाँ पर दोनों में यहाँ पर अलाइंड लिखा हुआ है, एक में अलाइंड आएगा और दूसरे में यहाँ पर क्या आएगा, यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पर जो प्रिंट है वो गलत है, इसलिए मैं आपको बता दूँ। देखिए जो पहला है इसको आप क्या कहते हैं, अलाइंड, जिसमें ए लिखा हुआ है, यह आपका देखिए अलाइंड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? अलाइंड सिस्टम है ये वाला, देखिए इसमें आपका क्या होगा, और ये आपका दूसरा जो है यूनिडायरेक्शनल है। क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, जिसे आप एक दिशीय कहते हैं हिंदी में। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो डायमेंशन है, डायमेंशन लाइन के ऊपर आपकी जो डायमेंशन है परपेंडिकुलर लिखी हुई है, बल्कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो आपकी डायमेंशन है वो इसके बीच में लिखी हुई है यूनिडायरेक्शन में। तो इस तरीके से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बना देना है और इस तरीके से आप शो कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा। फिर आपके एलिप्स बनाने के लिए आते हैं, एक ऑब्लॉन्ग मेथड से और दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर में एक ज़रूर आएगा आपका, या एलिप्स बनाने के लिए आएगा या पैराबोला, या आपका पैराबोला बनाने के लिए आएगा। पैराबोला में
आपके दो पैराबोला हैं, एक यहाँ पर रेक्टेंगल मेथड से और दूसरा टेंजेंट मेथड से, कोई सा भी आ सकता है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, देख सकते हैं कि कैसे जो है पैराबोला और एलिप्स आप ड्रॉ करेंगे। फिर आप यहाँ पर देखिए चौथा चैप्टर जो है वो है आपका स्केल। स्केल देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण मापनी जिसे आप प्लेन स्केल कहते हैं और दूसरा होता है आपका विकर्ण मापनी। देखिए यहाँ पे भी आपसे फिल ब्लैंक्स आता है कि प्लेन स्केल में आप कितनी यूनिट को शो करते हैं, तो दो यूनिट को आप शो करते हैं, डायगनल में तीन यूनिट को शो करते हैं। फिर आता है आपका आरएफ क्या होता है। देखिए आरएफ यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी है, लेंथ टेकन ऑन ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यह आपका आरएफ का फॉर्मूला होता है। देखिए यदि आपकी आरएफ जो है वो एक के बराबर है, यानी लेंथ ऑन ड्राइंग भी आप एक लेंगे, एक्चुअल ड्राइंग भी आप एक लेंगे, तो आपकी आरएफ एक है, इसका मतलब आपकी फुल साइज स्केल होगी, पूर्ण आकार की मापनी होगी। यदि आपके आरएफ एक से कम है तो आपकी लघुकरण मापनी होगी जिसे आप रिड्यूसिंग स्केल कहते हैं। इफ़ आरएफ इज़ मोर देन वन तो आप उसे इनलार्जिंग स्केल कहेंगे, फिलअप में आपका आते हैं। और आरएफ आपको स्केल वाले क्वेश्चन में निकालना भी होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 20 मार्क्स में 101% आपका स्केल आएगा एग्ज़ाम में, देखिए वो चाहे प्लेन स्केल हो चाहे डायगनल स्केल हो। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, दोनों इंपॉर्टेंट वीडियो, एक मैंने प्लेलिस्ट पे बनाई है आपके प्लेन स्केल पे और दूसरी डायगनल स्केल पे, दोनों वीडियो प्लेन से भी और डायगनल दोनों से आपका एक सवाल आएगा 20 मार्क्स में। देखिए तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल आपको जो क्वेश्चन में कहेगा वही आपको आरएफ निकालना है, फिर लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे, इस प्रकार से आप स्केल को ड्रॉ कर पाएंगे। फिर आपका आता है मेनली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें आपको 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में उसके व्यू बनाने होते हैं। इसमें आपको तीन व्यू बनाने होते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में VP आप ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर HP बनाते हैं नीचे, VP के बगल में हमेशा साइड व्यू बनाते हैं, यहाँ आपका बनेगा यहाँ पर लेफ्ट साइड व्यू, राइट में आपका इधर लेफ्ट बनता है और इधर आपका राइट बनेगा, ये आपका होता है फर्स्ट एंगल में। यह आप देख सकते हैं इस वीडियो को हमारे चैनल पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। फिर आपका यहाँ पर आता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में HP अपॉन VP, ऊपर आपका टॉप व्यू बनेगा और नीचे आपका फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट के बगल में देखिए यहाँ पर राइट, यहाँ राइट में ही बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा आपका लेफ्ट साइड व्यू बनेगा। तो देखिए दो मैंने यहाँ पर आपको ऑर्थोग्राफिक दिखाए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें, यही आप यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जो हमने चैनल पर आपके लिए डाली हैं वीडियोस, आप उन्हें भी देख सकते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए, क्योंकि आपका 20 मार्क्स में 101%। और कई बार ऐसा होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो सवाल होता है वो आपको कंपलसरी करना होता है, यानी आप इसको करेंगे ही, इसको आप करेंगे ही, या आपके पास चॉइस में नहीं होता तो ये आपका कंपलसरी है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। फिर आपके सिंबल्स हैं, देखिए सिंबल भी 20 मार्क्स में आते हैं हमेशा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इंडियन टाइप, वाटर क्लोजेट, यूरिनल कॉर्नर, वाटर मीटर, पंप, वेस्टर्न स्टाइल WC यानी वाटर क्लोजेट, और यहाँ पर और हैं ग्लास का सिंबल आता है, फेरस मेटल का, नॉन मेटल का, इस तरीके से, और चैनल सेक्शन का, आई सेक्शन का, इस तरीके से आप दिखाएंगे आई सेक्शन को, डायमेंशन सी सेक्शन का आपके पास आ सकता है, ऐसे एल सेक्शन का आपके पास आ सकता है, इस तरीके से आप दिखाएंगे। तो ये सिंबल हो गए, ये भी 20 मार्क्स में आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। फिर आपका यहाँ पे आता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये सभी वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, यहाँ से भी आपका 40 मार्क्स में आएगा, 40 मार्क्स में आपका आएगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट भी, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड भी, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी। तो ये वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने वहाँ पर डाली हैं, उससे बाहर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। आपसे आइसोमेट्रिक में पूछ सकता है पेंटागनल प्रिज्म बनाएं, पेंटागनल पिरामिड आप बनाएं, वो भी हमने वीडियोज़ डाल रखे हैं, हेक्सागनल पिरामिड, हेक्सागनल प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म किस तरीके से आप बनाएंगे वो सब हमने डाल रखा है। आइसोमेट्रिक का भी एक सवाल आता है आपके पास, वो भी आप देख सकते हैं चैनल पर, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का भी आता है, और यहाँ पॉइंट या प्लेन में से एक आता है। यहाँ पर एक और चीज़ मिस हो गई है, वो है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके देखिए मैंने दो सवाल करे हैं आपको चैनल पर, वो दोनों यदि आप देख लें तो उससे बाहर आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा स्ट्रेट लाइन से, सरल रेखा से,
उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूँ कि आप वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, सात में से वही आप पांच क्वेश्चन करें, और पांच में एक आपको ऑर्थोग्राफी का तो करना ही करना है, तो चार क्वेश्चन आप वो करें जिसको आप 100% कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल सफाई से आप काम करेंगे। देखिए, यदि आपने सीट में आपने पेंसिल छीलने में यदि कोई कोताही बरती, यानी यदि आपकी पेंसिल डार्क लिख रही है, तो आप उसे तुरंत शार्प करें, बिकॉज यदि आप उसे शार्प नहीं करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डार्क बनेगा, डार्क बनेगा तो सीट आपकी गंदी होगी। तो इसलिए सीट पर सफाई का आप बहुत ध्यान रखें। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल भी यहाँ पर पूछा जाता है, ये देखिए, इस तरीके से आप दो गोले बनाएंगे ऐसे, इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल का, यहीं से आप डायमेंशन लेंगे इसकी, फर्स्ट एंगल का हो गया। यदि आप थर्ड एंगल का बना रहे हैं तो इसको इस तरीके से आप बनाएंगे, ये आपका थर्ड एंगल का सिंबल हो गया। कई बार सिंबल भी आते हैं 10 नंबर में केवल, ये पूछ लेंगे आपसे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिए। फिल इन द ब्लैंक्स वाली वीडियो, ये शायद हमने इसे सॉल्व टू क्वेश्चन पेपर के नाम से डाला है ये, तो उसे भी आप देख सकते हैं, इसमें मैंने मोस्टली आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो कवर कराए हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं ईडी का, वो भी हमने सॉल्व कराया हुआ है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कैसे आपको शीट में काम करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यदि आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका जो आप एनालाइजिज है वो भी हम जरूर डालेंगे, जैसे हमने फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में डाला है, वैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है वो हम एनालिसिस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, ऑर्थोग्राफिक होगा तो उसका ऑर्थोग्राफिक का फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बनेगा, आपके हर सवाल का प्रोजेक्शन सॉलिड है तो उसका हल कैसे होगा, वो सब मैं आपको चैनल पर बताऊँगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यू कैन ऑल्सो लाइक अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम फॉर नोट्स। थैंक यू वेरी मच।